हमारे चैनल पे कि हमने क्या किया है एक एक जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है इन थ्योरी के नोट्स में अब हम क्या करेंगे इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होते हैं एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं और जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ही समय में क्या करते हैं मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर एम तो हमारा फर्स्ट एम क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है वेट अ मिनट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फॉर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज ठीक है अगर कोई भी एक बिजनेस अपने बिजनेस टाइम में जो भी वो क्या कर रहा है एक मशीन या जो भी चीज़ें वो लैंड बिल्डिंग ये सब यूज़ कर रहा है ठीक है उसको कंज्यूम कर रहा है तो उस टाइप के प्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में वो जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है उस को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर बहुत सिंपल है डेप्रिशिएशन ठीक है मैंने अपनी थ्योरी के नोट में इसको अच्छे से समझाया है डेप्रीशिएशन क्या होता है डिप्रिसिएशन वो होता है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट्स अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे होते हैं तो उसकी क्या होती है जो एसेट्स वैल्यू होती है वो दिन पे दिन कम होती है तो हम जब उस एसेट्स को खरीद के लाते हैं तभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये एसेट्स क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे और उस टाइम हमें न्यू एसेट्स खरीदने के लिए जो कैपिटल चाहिए होगा वो कैपिटल एक बिजनेस में कहां से आएगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं हैं उस पे कुछ चार्ज करने लगते ठीक है, है उसकी जो घटती हुई वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी जितनी रोज वैल्यू घट रही है उतना हम लोग क्या करते हैं उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करके एक लॉट ऑफ मनी साइड में क्या कर लेते हैं जुटा लेते हैं ताकि जब भी वो एसेट्स खराब हो हम उसको क्या कर सके नया परचेस कर सके तो यही हमारा इसका आंसर है डेप्रीशिएशन ओके आंसर इज ऑप्शन डी एक बार इसका सॉल्यूशन लिखा है वो मैं पढ़ दे रही हूं अगर आप लोगों को दिक्कत होगा मुझे लगेगा इसमें कुछ समझाने जैसा है तो मैं उसको आपको समझा भी दूंगी ओके okay? तो हमारा सॉल्यूशन क्या है द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज डेप्रीशिएशन इन इकोनॉमिक्स डेप्रीशिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए कैपिटल स्टॉक ऑफ ए फर्म नेशन और अदर एंटिटी आईदर थ्रू फिजिकल डेप्रिशिएशन ऑप्सलेंस और चेंजेस इन डिमांड ऑफ द सर्विसेज ऑफ द कैपिटल इन क्वेश्चन ठीक है इसका मतलब होता है कोई भी जैसे कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी एसेट्स यूज कर रहे हो उसकी डिक्रीज वैल्यू को ही हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ऐसा माना गया है कि एक जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है किसी भी स्टॉक में ठीक है कैपिटल स्टॉक में चाहे वो किसी भी वजह से हो फिजिकल की वजह से हो या उसमें कुछ ऑप्सलेंस आए हो या डिमांड चे, में चेंज आई हो तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं डेप्रिशिएशन ही बोलते हैं ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा आइए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु प्रपाउंडेड द अपॉरचुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्यूरी है वो किसने प्रपाउंड की थी तो ये बहुत सिंपल आंसर है हेबरियर ने ये क्या की थी फाउंड की थी रिकार्डो ने नहीं की थी मार्शल ने नहीं की थी हैक्सर एंड ओफलिन ओलिन ने नहीं की थी ये हमारे हैबियर ने की थी ठीक है ऑपरचुनिटी इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉरचुनिटी कॉस्ट के जो पाउंडर है वो कौन है हमारे हैबर है इसको बहुत टीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर भी क्या करती हूँ मैं एक बार इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ ठीक है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हैबियर प्रपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल टेक ठीक हैबियर जो थे हमारे उन्होंने ये थ्योरी क्या की थी प्रपाउंड की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सबको पता होता है ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ठीक है गॉडफायर्ड हैबर्स हैज अटेप्टेड टू री स्टेट द कंपेरेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही डेमोन्स्ट्रेट दैट द ट्रीन ऑफ कम्पेरेटिव कॉस्ट कैन होल्ड वैलिड इवन इफ द लेबर थ्यूरी ऑफ वैल्यू इज डिस्कार थ्यूरी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन दैट हैज टू बी फॉर गॉर प्रोड्यूसिंग द कॉमोडिटी इन क्वेश्चन ठीक है इन्होंने ऐसा बताया था कि जो आप, इन्होंने क्या किया था कम्पेरेटिव कॉस्ट निकाला था ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ठीक है की जो हम लोग दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आता है और इसमें क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आता है ठीक है और इन्होंने बोला था लेबर थ्योरी को अगर हम हटा भी दे तो क्या होता है ये थ्योरी हमारी क्या करती है चलती ही रहती है ठीक है तो इन्होंने यही बताया था कि एक इस प्रोडक्ट को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ठीक है, है तो दूसरे प्रोडक्ट को जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आता ठीक है उन्होंने यही जो हमारी थ्योरी है उसको बताया था तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा हैबियर ने कौन सी थ्यूरी दी थी तो हैबियर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो उसके लिए जो हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस चूज करते हैं कि किस चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है ठीक है कैसे करना है और हम जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसने जिसको हमने छोड़ा है अगर उसको प्रोड्यूस करते तो उसमें क्या कॉस्ट आता है है ठीक तो उन्होंने यही चीजें डिटरमाइन की थी propound की थी तो आपको ये समझ में आ गया होगा अगर इसमें फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करेक्ट इस ये जो स्टेटमेंट आपको चार स्टेटमेंट दी है इन स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है ठीक है तो पहले हम चार ऑप्शन पढ़ेंगे ओके okay. तो आइए पढ़ते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट देखिए आप लोग ये चीज पे ध्यान दीजिएगा इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है ठीक है सही नहीं पूछा है आपसे तो फर्स्ट हमारा क्या है ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व ऑल द फाइव फॉर्म्स ऑफ इलेसिटी कैन बी डिपिक्टेड तो येस ये सही है जब हम लीनियर डिमांड कर्व बनाते हैं तो उसमें हम लोग पांचों तरीके के इलासिस ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो क्या कर सकते हैं बना सकते हैं क्शन तो यस ये भी बिल्कुल सही है थर्ड है हमारा इफ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड पैरलर टू ईच अदर ठीक है दो डिमांड कर्व क्या है लीनियर है और एक दूसरे से क्या है बिल्कुल ही पैरलर है ठीक है पैरलर मतलब ऐसे पैरलर चल रहा है ठीक है नहीं जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो डिफरेंट डिमांड कर्व पे इलेसिटी डिफरेंट नहीं होगी उनका कोफिशियंट ऑफ इलेसिटी सेम ही होगा ठीक है इसलिए ये वाला आंसर हमारा क्या होता है गलत होता है तो यहां पे हमारा इनकरेक्ट पूछा था तो ये वाला हमारा सी क्या है इनकरेक्ट है लेकिन एक बार हम फोर्थ भी पढ़ेंगे क्या पता वो भी गलत हो तो ये हमारा बिल्कुल सही है इसमें कोई भी गलती नहीं है तो हमारा राइट right आंसर क्या है हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन सी ठीक है ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हमें बताता है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस कोफिशियंट ऑफ इलासिटी ठीक है हम क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को क्या करते हैं एक दूसरे से डिवाइड करते हैं ठीक है सो टू लीनियर एंड पैरलर डिमांड कर्व विल हैव सेम कोफिशियंट ऑफ इलासिटी एंड चेंज इन प्राइस चेंजेज इन क्वांटिटी माइंडेड विल बी द सेम ठीक है क्वान्टिटी इसमें क्या होगा इसमें यही बोल रहा है कि जो दोनों कर्व होंगे वो सेम होंगे अलग अलग नहीं होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इन इलास्टिक ठीक है अगर किसी भी गुड का डिमांड जो है वो हमारा इन इलास्टिक है ठीक है इफ द डिमांड ऑफ ए गुड इज इन इलास्टिक आप लोग ध्यान से देखिएगा अगर आपको ये सब के थ्रू नहीं पता होंगे तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स जाके देख सकते हैं मैंने उसमें काफी अच्छे से आपको डिटेल्ड विथ नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया डायग्राम्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है ठीक अगर किसी भी गुड्स के डिमांड क्या है इन इलास्टिक है एंड इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ ए गुड्स टू ठीक है तो अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर क्या होगा उस गुड्स का ठीक है तो वो क्या होगा इंक्रीज ही होगा ठीक है वो बढ़ेगा ही अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगा बढ़ेगा ही ठीक है डिक्रीज नहीं होगा रिमेन सेम नहीं होगा बिकम जीरो नहीं होगा क्योंकि वो गुड्स क्या है इन इलास्टिक गुड्स है ठीक है तो हेंस इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा ऑप्शन ए एक बार हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ गुड्स टू इंक्रीज ठीक है तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा रेजिंग प्राइस विल ऑलवेज कॉज टोटल रिवेन्यू टू इंक्रीज ठीक है जो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है हमारा टोटल रिवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है तो जब टोटल रिवेन्यू इनके लिए बढ़ेगा तो किसी के लिए टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा ओके तो दैट्स तो तो वाइस इसका आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हॉरीजोंटल डिमांड कर्व पैरलर टू एक्स एक्सिस इम्प्लाइज दी ऑफ डिमांड इज ठीक है जो डिमांड कर्व पैरलर है एक्स एक्सिस के ठीक है हॉरीजोंटल डिमांड कर्व है पैरलर है एक्स एक्सिस की ये हमारा एक्स होता है हमारा वाई होता है ठीक है तो उसमें क्या बोल रहा है इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या है वहां पे क्योंकि देखो ये पैरलर जा रहा है इस पे प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है घट रहा है तो इसका क्या मतलब होगा तो जो हमारा इलेसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है इनफाइनाइट है कि प्राइस के बढ़ने प्राइस पे कोई असर नहीं होता लेकिन क्या होता है डिमांड अपने आप बढ़ती घटती रहती है ठीक है तो उसका क्या होता है इनफाइनाइट एक इसका आंसर है ऑप्शन बी इनफाइनाइट ठीक है एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन द हॉरिजोंटल डिमांड कर्व पैरलर टू एक्स एक्सिस इम्प्लाइज दैट द इलेसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट इफ इट इज जीरो वेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर डिमांड कर्व पैरेलल होता वाई एक्सिस के तो ये जीरो होता है लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है तो हमारे इसका आंसर क्या होता है इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया इसका आंसर है ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है हमारा जैसे ये डिमांड कर्व है यहाँ पे बात इंडिविजुअल डिमांड कर्व की हो रही है जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ठीक है डाउन वर्ड टू द राइट राइट की तरफ डाउन वर्ड स्लोपिंग है ठीक है ऐसे तो इसका क्या मतलब है? ये क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ इसमें पूछा है तो वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लग रहा है नहीं ये गलत है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस नहीं ये भी गलत है सब्सिट्यूशन इफेक्ट नहीं हो रहा है इसपे इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन एक मिनट एक मिनट फ्रेंड्स इसमें देखिए आप लोगों का क्या पूछा है वेट अ मिनट इसमें सॉरी मैंने क्वेश्चन कुछ गलत पढ़ लिया था इसमें बोल रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व अगर राइट वर्ड स्लोप कर रहा है ठीक है राइट वर्ड स्लोप कर रहा है ये डाउन और राइट वर्ड ठीक है राइट वर्ड हमारा ऐसे होता है ठीक है इधर की तरफ जा रहा है तो ये क्यों हो रहा है तो वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनशन मार्जिन यस ये सही है डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हो रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि हर एक यूनिट कंज्यूम जब हम करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है जो सेटिस्फैक्शन पावर है वो कम होती है ठीक है और सब्सिट्यूशन इफेक्ट भी हो सकता है कि क्या पता जो सब्सिट्यूट है उसका जो टी एंड कॉफी जैसा सब्सटीट्यूट है तो वो क्या है उसकी प्राइस कम हुई होगी ठीक है सब्सटीट्यूशन गुड्स की प्राइस कम हुई होगी इस वजह से इसकी प्राइस ये क्या हो रहा है इसकी डिमांड बढ़ रही है इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ठीक है इनकम का आ, प्राइस घटने की वजह से क्या इनकम इफेक्ट हुआ होगा कुछ ठीक है उसपे तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ ये तीनों ही केस सही हो सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ठीक है आंसर है ऑप्शन डी मैं इसका एक बार पढ़ देती हूँ सॉल्यूशन एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सब्सिटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ठीक है उसमें तीनों इफेक्ट हो सकते हैं या तो डिमनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी लग सकता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी हो सकता है या तो इनकम इफेक्ट भी हो सकता है ठीक है मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ा था उसके लिए आई एम रियली सॉरी लेकिन अब मैंने बता दिया यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ जो इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारा उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसमें ये पूछा गया है ठीक है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम इनकम इलेसिटी है तो हम लोग हमेशा इनकम को ही क्या करेंगे घटाएंगे या बढ़ाएंगे जितना चेंज होगा इनकम में उतना हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा तो इसका सही आंसर है ए नेक्स्ट भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इज प्राइस नहीं प्राइस उस टाइम क्या होता है कांस्टेंट होता है प्राइस टू अ चेंज इन इनकम नहीं ये भी नहीं होता इनकम टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं ये भी नहीं होता ठीक है क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया कितने इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया ठीक है इनकम टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं होगा देखिए ऑप्शन दोनों सेम लग रहा है लेकिन दोनों के मीनिंग अपोजिट है ठीक है इसमें इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया और इसमें है डिमांड इनकम का क्या डिमांड पे इफेक्ट पड़ा ठीक है तो ये हमारा सही आंसर होगा ये हमें इसी तरह हम इसमें रिलेशन बताते हैं ठीक है थीके? तो इसका आंसर हमारा होगा कहाँ दिया इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए ठीक है एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड इज़ डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिसनेस ऑफ डिमांड वेन कंज्यूमर्स इनकम्स चेंज ठीक है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तभी हम इनकम एलैसिटी चेंज देखते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर द चेंज इन इनकम ठीक है कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया और कितना इनकम में चेंज आया ठीक है हायर द इनकम द मोर सेंसिटिव डिमांड फॉर गुड इज चेंज इन इनकम ठीक है जितना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा, उतना क्या होगा उतना क्या के जो होंगे, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कॉस्ट ऑफ वन थिंग ऑफ अल्टरनेटिव गिवेन इज कॉल्ड इसमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इस कॉल ठीक है इसमें बोल रहा है जो कॉस्ट होता है एक चीज़ का उसके अल्टरनेटिव को हम क्या बोलते हैं ठीक है टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं क्या बोला जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है ठीक है दो हमें गुड्स दिए होते हैं हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए बेस्ट गुड्स कौन सा है इसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ठीक है अगर हम एक गुड्स बना रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या किया किया है, दूसरे गुड्स को क्या किया है छोड़ा है सेक्रीफाइस किया है ठीक है तब हमें यह गुड्स जाके क्या हुआ है मिला है ठीक है इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि आपके पास क्या हुआ है दो जॉब के ऑफर्स आए ठीक है एक आपको बारह हजार मिल रहा है एक जगह एक आपको पंद्रह हजार मिल रहा है आप ऑफ ऑफकोर्स ही बात है पंद्रह हजार वाले चूज करेंगे लेकिन आपको उस पंद्रह हजार वाले नौकरी को चुनने के लिए क्या हुआ है आपने वो बारह हजार की नौकरी छोड़ी है उसको सेक्रीफाइस किया ठीक है क्योंकि आप दोनों तो कर नहीं सकते आपको कोई एक चूज करना था तो आपने एक एक बेटर चूज करने के लिए क्या हुआ एक बेटर को छोड़ा है तो यही होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वन थिंग्स अल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इसके सॉल्यूशन को हम एक बार पढ़ लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक्स टर्म दैट रिफर्स टू अ वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू चूज समथिंग एल्स ठीक है इसमें उस चीज की कॉस्ट देखी जाती है कि जो आपने छोड़ दिया किसी एक को चूज करने के लिए ठीक है मैंने आपको डिटेल में बताया होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ये चीजें मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं मैंने उसमें काफी अच्छे से समझाया है फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी ओके okay? और अपना रिव्यू जरूर शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अज्यूम दैट कंज्यूमर इनकम एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर गुड एक्स बोथ फॉल्स ठीक है कंज्यूमर की इनकम भी घट जा रही है और गुड एक्स के क्या हो रहे हैं जो सेलर नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट ऑफ गुड जो सेलर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं इनकम भी कम हो गई और सेलर भी कम हो गए उसके ठीक है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विथ सर्टनिटी दैट द इक्ब्रियम तो वहां पर इक्विब्रियम क्या होगा तो वहां पे ऑफकोर्स पर बात है आपको बिना सोचे आप इसका आंसर लगा सकते हो कि जिस चीज की इनकम भी मतलब कि लोगों की कम हो गई तो डिमांड ऑफकोर्स ऑफकॉर्स बातें कम हो जाएगा और उसके सेलर्स भी ऑटोमेटिकली कम हो गए तो उस चीज की क्वांटिटी क्या हो जाएगी मार्केट में कम हो जाएगी ठीक है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्वांटिटी विल डिक्रीज प्राइस विल डिक्रीज प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि क्यों, प्राइस तो सेलर्स तो कम है वो कौन प्राइस चूज करेगा प्राइस विल इंक्रीज इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वांटिटी विल इंक्रीज होने के चांसेस ही नहीं है क्योंकि सेलर भी हमारे कम होगा लोगों की इनकम भी क्या हो गई कम हो गई है तो डिमांड जनरेट नहीं होगा ओके okay? आइए इसका एक बार सोल्यूशन पढ़ लेते हैं एक लाइन का सोल्यूशन है बहुत काफी बड़ा तो है नहीं तो इसमें क्या बोल रहा है वी कैन कंक्लूड विथ सर्टेनिटी डेट द इक्विलियम क्वांटिटी विल बी डिक्रीज जो इक्विडियम क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्यों क्योंकि उसकी जो डिमांड है जो इनकम है लोगों की वो भी कम हो गई जब इनकम कम हुई तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई और उसके जो मार्केट में सेलर्स थे वो भी कम हो गए वो भी उसको बेचना बंद कर दिए मतलब कम हो गए फॉर्म्स ने लोग एग्जिट ले लिया उस फॉर्म से तो क्या होगा ऑफकोर्स बात है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी उसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं होगी ठीक है तो हम अब तक हमने क्या किया टेन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये दसों क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो हम अपने इलेवेंथ क्वेश्चन पे मूव करते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या है एक बार आप पढ़िए अगर आपको इन टेंथ क्वेश्चन में भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा फिर हमारा इलेवन क्वेश्चन इलेवन क्वेश्चन हमें क्या बोलता है द इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्शन टू मोनोपोली रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्शन मोनोपोली में क्या होता है ठीक है ये पूछ रहा है तो इसमें क्या होता है एक बार आप सारा ऑप्शन पढ़िए देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर टू द मोनोपोलिस्ट ठीक है इसमें क्या होता है जो कंज्यूमर्स की होती है इनकम वो क्या होता है मोनोपोलिस्ट के हाथ में चली जाती है मोनोपोली में आप लोगों को पता है एक ही बायर होता है और बहुत सारे सेलर होते हैं ठीक है थेके? सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है देयर इज अ वेलफेयर लॉस एज रिसोर्सेज टेन टू बी मिसलोकेटेड अंडर मोनोपोली यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि वो चीज मोनोपोली एक ही लोग कंट्रोल कर रहा है तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मिस एलोकेशन हो सकता है ठीक है उनका ऐसा B, क्या ये दोनों ही सही है या तो बी आर करेक्ट इनकरेक्ट या तो क्या ये दोनों सही है ठीक तो है, है, है? यहाँ पे जो नॉर्मल कंज्यूमर्स की इनकम है वो मोनोपोलिट के हाथ में जा रही है और यहाँ पे ये चांसेस भी होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत स्केयर हैं कम है उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो उनके जो यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं मिस एलोकेट हो सकते हैं ख़राब तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि जब हम चार लोग बैठ के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते हैं जब कंपटीशन होता है मार्केट में तो सब लोग सोचते हैं कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें लेकिन अगर वो चीज़ें मोनोपोलिस्ट के हाथ में होगी अगर उनको ये चीज़ें डिसाइड करनी होगी कि कितना प्रोडक्शन करना है हमें उस, मेरे पास ही वो पूरे रिसोर्सेज हैं हम ही को चलाना है तो वो चीज़ें क्या हो सकती है वो गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसलिए मोनोपोली में ये दोनों चांसेस होते हैं कि जो हमारे हमारी इनकम है वो मोनोपोलिस्ट के हाथ में जा रही है और जो है वो रिसोर्सेस का भी गलत यूज कर सकते हैं ठीक है हेंस इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है अपने से ही समझा दे रही हूँ दे आर ट्रांसफर ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर टू द मोनोपोलिस्ट एंड देर इज अ वेलफेयर लॉस एज रिसोर्सेज टेंट टू बी मिस एलोकेटेड अंडर मोनोपोली ठीक है यहाँ पे वही दोनों बातें कही गई है कि जो इनकम होती है वो मतलब अब वो उनकी है वो कितना भी प्राइस रख सकते हैं हमें तो देना ही हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसी हम यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रिसी का चाहे जितना रेट बढ़ा दें उसके कोई सब्सटिट्यूशन नहीं है और उसका कोई हम अल्टरनेटिव निकाल भी नहीं सकते हैं ठीक है ठीक है तो ये चीज़ें होती है और इलेक्ट्रिसी का वो कैसे यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का भी डर है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ने शायद वो उसका मिस मिसअलोकेशन कर रहे हो ठीक है तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय द फॉर्म वेरी लार्ज इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है प्राइस कंट्रोल क्या होता है उसके प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा फॉर्म्स में होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है मोनोपोली में होता है मोनोपोली में क्या होता है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस अपने से ही डिसाइड कर सकता है ठीक है दोनों केसेस होते हैं कि कभी कभी वो लोग दोनों तरीके से अपने प्राइस यूज़ करते हैं लेकिन मेनली क्या होता है वो लोग अपने प्रोडक्ट्स अपने से ही डिसाइड करते हैं ठीक है मोनोपोली में ऐसा होता है इम्परफेक्ट में नहीं होता परफेक्ट में नहीं होता ए भी दोनों नहीं होता ठीक है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी सॉल्यूशन क्या है इन मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय अ फॉर्म वेरी लार्ज इन अ मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन सेलर सो अ सिंगल फॉर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट इट कैन सेट एनी प्राइस इट्स विशेष सिंस इट हैज द ऑल द मार्केट पावर कंज्यूमर डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव एंड मस्ट पे द प्राइस सेट बाय द सेलर ठीक है मोनोपोली में जो उनके प्राइस कंट्रोल पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है उनके पास ठीक है क्योंकि उनके प्रोडक्ट ही होते हैं यहाँ पे एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं और बायर्स के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है 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 उस चीज का ठीक ठीक उनको वो वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ता है। चाहे वो उसको जितने भी प्राइस पे बेचे तो मोनोपोली में ये एक डिमेरिट होता है कि वो अपने प्राइस को क्या करते हैं खुद कंट्रोल करते हैं और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है मार्केट का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है उस पर पूरा कंट्रोल क्या होता है जो एक सेलर होता है एक प्रोड्यूसर होता है उसी का उस पर पूरा कंट्रोल होता है इसलिए जो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी ठीक है ये सही आंसर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ने है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमारा क्या बोलता है द ऑफर कर्व इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड मार्शल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द डैश इज स्टेब्लिश इन इंटरनेशनल ट्रेड एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से रीड करिए और अपने से आंसर देने की कोशिश करिए ठीक है यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से ट्रेड वर्ड यूज़ किया गया है तो ऑफर कर्व जो ऑफर कर्व था जिसको किसने इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड के ठीक है हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द डैश इज इस्टेब्लिस्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के किस चीज़ को पढ़ने में हमारी हेल्प करता है समझने में हमारी हेल्प करता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उन्होंने ट्रेड के टर्म्स में बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है हमें वो चीज समझने में क्या होता है ये हेल्प करता है इक्विबियम प्राइस से रिलेटेड ये नहीं है एक्सचेंज इस रेट से रिलेटेड नहीं है और सेटिस्फेक्शन लेवल से भी नहीं है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के टर्म में ये बात बताई है ठीक है इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं द ऑफर कर्व्स इंट्रोड्यूसड बाय अल्फ्रेड मार्शल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द टर्म ऑफ ट्रेड इज इस्टेब्लिश इन इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड में हम अपने ट्रेड को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे से ठीक है उसको समझना एंड ऑफर कर्व शोज हाउ द वॉल्यूम ट्रेडेड चेंज वेन द टर्म और चेंज ठीक है कितना वॉल्यूम चेंज आता है अगर हम किसी टर्म्स में चेंज करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में ठीक है तो अल्फ्रेड मार्शल ने हमें यही एक क्या ये एक बात बताई थी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड से की बातें समझने में काफी हद तक क्या करता है हेल्प करता है नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज जो हमारे डिमांड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो क्या है ठीक है डिराइव डिमांड ज्वाइंट डिमांड तो होता नहीं है कम्पोजिट डिमांड नहीं होता नन ऑफ क्योंकि यहाँ पे हो जाए डिराइव डिमांड ठीक है कितना डिमांड जनरेट हो रहा है ठीक है उससे रिलेटेड है इसलिए इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लें तो जो भी हमारी डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे ओके okay? तो इसका सॉल्यूशन है डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड ठीक है जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डिमांड हमारा जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड द डिमांड फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर फिजिकल कैपिटल लैंड इज डिराइव डिमांड बिकॉज इट अराइजेज नॉट फ्रॉम द इंट्रेंसिंग यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाई द फैक्टर्स बट बिकॉज ऑफ द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्शन इट प्रोड्यूस बाई कंज्यूमर ठीक है ये हमारी डायरेक्ट यूटिलिटी हमारे सेटिसफेक्शन से ये डिमांड प्रोड्यूस नहीं होता ये प्रोडक ये हमारे क्या होता है कंज्यूम जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसके कॉस्ट से डिराइव होता है इसलिए हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिमांड को क्या बोलते हैं डिराइव डिमांड ठीक है मुझे ऐसा लगता है आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करिए या तो आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मैं आप लोगों के लिए और इजी वे में कुछ लाने की कोशिश करूंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन producer's demand. फॉर ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न बाय द डैश ऑफ द फैक्टर उसको गवर्न किस फैक्टर से किया जाता है ठीक है तो उसको हमारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ठीक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है एक फॉर्मूला उसका मार्जिनल कितना प्रोड्यूस करना है ठीक है इस चीज़ पे क्या होता है डिपेंड होता है प्राइस पे डिपेंड नहीं होता है अवेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होता है प्रॉफिबिलिटी पे डिपेंड नहीं होता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की कितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हर एक हमारे पास ये रिसोर्स है तो हम उसमें कितना ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है थेके? तो उसी से हम उसको गवर्न करते हैं इसका आंसर है ऑप्शन बी द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ़ द फैक्टर ठीक है उस फैक्टर्स की कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कितना ज़्यादा क्या हो सकता है उससे प्रोड्यूस हो सकता है इस चीज़ पे क्या करता है ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर भी लेक्चर्स देख सकते हो एक बार मैं आप लोगों को फिर भी समझाती हूँ प्रोड्यूसर्स की जो डिमांड होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उससे कैसे गवर्न किया जाता है किस फैक्टर से तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्स से वो ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है ठीक है तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर्स की डिमांड किससे जनरेट होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे जितना प्रोड्यूस कर पाएगा उतना ही तो करेगा ठीक है वो हर तरीके से क्या कर लेता है एनालाइज कर लेता है समझ लेता है कि हाँ इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता है और मिनिमम रिसोर्स में हम मैक्सिमम चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो वो क्या करता है उसकी डिमांड ज्यादा जनरेट होती है ठीक है तो आपको ये पॉइंट मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन होता है प्रोडक्ट मार्केट में वो कैसा है? किस कंडीशन में होता है अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के कंडीशन में जो प्रोडक्ट मार्केट होता है वो क्या होता है ठीक है तो इसमें होता है एमआरपी इज इक्वल्स टू वीएमपी ठीक है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू वेरिएबल मार्केट प्राइस ठीक है ये होता है इसको आपको बहुत डीप में समझने की जरूरत नहीं है आप एक मतलब नॉर्मल फॉर्मूले याद कर लीजिए इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए ये नहीं होता ग्रेटर देन नहीं होता लेस देन नहीं होता और नन ऑफ द अब भी नहीं होता ठीक है क्योंकि ये हमारा सही आंसर है इसका मैं एक बार आप लोगों के लिए क्या कर देती हूँ सॉल्यूशन पढ़ ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत इजी टर्म्स से और बहुत इजी के साथ साथ बहुत मतलब कि एग्जाम में उतनी नहीं पूछ जाते बस आपसे उसे फॉर्मूला पूछ लेगा तो आप फॉर्मूला टिक कर देना उसके रीजन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है रीजन्स जब आप ग्राफ चार्ट पढ़ोगे तब आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट एम आर पी इज इक्व टू वी एम पी अंडर द एजम्पन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ ए फॉर्म इम्प्लॉयज अ फैक्टर अप टू अ नंबर ऑफ विद प्राइस ऑफ द फैक्टर इज जस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम आर पी ऑफ द फैक्टर ओके मैंने बता दिया कि क्या होते हैं जो फैक्टर होते हैं वो उसके इक्वल ही होते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल ही होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटिस्टिकल मेजर्स हेल्प इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कौन से ऐसे स्टैटिकल मेजर्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी को कैलकुलेट करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी तो कौन से आप बता सकते हैं यस yes, आप बता सकते हैं आप बताइए आप लोगों को पता होगा कौन से ऐसे स्टैटिकल मेजर्स से हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं मेजर करते हैं तो अर्थमेट्रिक एवरेज से नहीं हम लोग किससे करते हैं इंडेक्स नंबर से ठीक है जो इंडेक्स नंबर ही हम लोग स्टैटिकल मेजर्स में यूज करते हैं हार्मोनिक मीन नहीं होता टाइम सीरीज नहीं होता इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी ठीक है इंडेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इंडेक्स नंबर स्टैटिकल मेजर्स हेल्प इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंडेक्स नंबर पजेज मच प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट इन मेजरिंग चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोडक्शन टेंस ट्रेड इनकम वेरिएशन एक्सेट्रा ठीक है जो हम लोग स्टेटिकल मेजर्स लेते हैं वो क्या किस थ्रू लेते हैं किसके थ्रू हमें पता चलता है परचेजिंग पावर हमें इंडेक्स नंबर के थ्रू पता चलता है और जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में जो हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि, कि कितना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ कितना प्रोडक्शन लेवल चेंज हुआ कितने ट्रेड हो रहे हैं बढ़ रहे हैं कितनी इनकम बढ़ रही है ठीक है कितने घट रहे हैं क्या वेरिएशन हो रहे हैं किसके बढ़ने से क्या तो उसमें क्या होता है हमारा इंडेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है इसके बिना मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ भी अच्छे से एक सही तरीके से नहीं जान पाते एक इंडेक्स नंबर होता है जो क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफी हमें अच्छा रिजल्ट ये देता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which among the following statement is incorrect? इन In स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ठीक है तो आइए एक एक करके हम लोग read कर लेते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क्स ऑन मार्केट मैकेनिज्म गलत है ठीक है ये मतलब सही है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब इसके हिसाब से गलत है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है जो हमारा मार्केटिक मार्केट मैकेनिज्म पे ही काम करता है दूसरा है, हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ब्रीड्स अनसर्टेनिटीज एंड स्पेकुलेशन यस बिल्कुल सही है वो अनसर्टेनिटीज और स्पेकुलेशन पे वर्क करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर एंड वैल्यू जजमेंट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम यस ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे चॉइस ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है ये भी सही है कौन सा इनकरेक्ट है द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं इसमें कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है इसलिए यह हमारा क्या होता है गलत होता है ठीक है तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग आंसर इन करेक्ट आंसर ठीक है इसका एक बार सॉल्यूशन हम पढ़ लेते हैं अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज वन दैट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड ऑन ओपन मार्केट ठीक है एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है जिसको हम क्या करते हैं डिटरमाइन कैसे करते हैं जो ओपन मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है उससे अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डजेंट मीन कंट्रीज डोंट ट्राई टू इंटरवीन एंड मैनुपलेट देयर करेंसी प्राइस ठीक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि जो कंट्री है वो क्या करे करेंसी um, प्राइस को मैनुपुलेट करे या उसको क्या करे इंटरवेन करे टाइम टू टाइम ठीक है सिंस गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक रेगुलरली अटैम्प्टू कीप देर करेंसी प्राइस फेवरेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड तो वो क्या करती है जो टाइम टू टाइम होता है गवर्नमेंट वो अपने क्या करती है सेंट्रल बैंक रेगुलरली ऐसे अटैम्प्ट लेती रहती है जिससे क्या करे कर करेंसी जो हो उसकी वो एक फेवरेबल प्राइस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करे रोल प्ले करे ओके फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसमें भी पूछ रहा है कि इन सारे इन चारों स्टेटमेंट में से हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ठीक है तो आइए हम लोग एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट ठीक है ये हमारा क्या होता है वैल्यू जूस की वेलफेयर इकोनॉमिक जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये पूरी तरीके से वैल्यू जजमेंट पे ही वेस्ड होता है ठीक है तो ये हमारा सही आंसर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक विथ अ हर्ट ठीक है वेलफेयर इकोनॉमिक को इकोनॉमिक विथ हर्ट भी बोला जाता है इसलिए ये भी सही है वेलफेयर इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन क्वेश्चन अबाउट इक्विटी एज वेल एज इफिशियंसी जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो हमारी इक्विटी मतलब समानता और इफिशियंसी दोनों की बातें करता है तो हाँ ये बिल्कुल सही है ये दोनों की बातें करता है द फाउंडर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स वॉज अल्फ्रेड मार्शल नहीं ये रॉन्ग है जो हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फाउंडर अल्फ्रेड मार्शल नहीं है इसलिए इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी आइए इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि तब इसके फाउंडर है कौन ठीक है तो आर्थर पिगो सक्सीडेड प्रोफेसर मार्शल एज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ठीक है इसके ऑर्थर सिसल पिगो उन्होंने क्या किया था प्रोफेसर मार्शर को सक्सीड किया था इकोनॉमिक्स में ठीक है कौन सी यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अल्फेन मार्शल ही बिकेम द लीडिंग न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही इज द फाउंडर ऑफ वेल्फेयर इकोनॉमिक्स हिज लीडिंग आइडियाज ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स आर फाउंड इन हिज इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1920 ठीक है इन्होंने ऐसा थ्योरी बनाया था फाउंडर थे लेकिन इनको सक्सीड कौन कर लिया था आर्थर सीसिल पिगो ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको सक्सीड कर लिया था इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे मैं आपके लिए 20-20 एमसीक्यू -20 की सीरीज लेके आऊँगी ठीक है जिससे आपको आपके एग्जाम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी ठीक है और आप इसका रिव्यू जरूर शेयर करिएगा अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं